वेलकम टू वंदनाज किचन। फ्रेंड्स, आज हम बिहार की स्पेशल रेसिपी बनाएंगे जो वहाँ के लोगों का ट्रेडिशनल खाना है और वहाँ के लोग हर फेस्टिवल पे इसे बनाना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ के लोगों का स्पेशल खाना है धुस्का, तो आज हम उसी को ही बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने इसके लिए आधा कप चने की दाल ली है और आधा कप ही मैंने चावल लिए हैं। और फ्रेंड्स, कुछ लोग इसके अंदर जो उड़द की दाल भी लेते हैं, अगर आप डालना चाहें तो आप भी इसे डाल सकते हैं। अगर वो डालना चाहें तो 1/4 कप लें इसके अंदर, लेकिन मैं आज इन दोनों से ही बनाऊंगी। फ्रेंड्स, इन दोनों को सबसे पहले दाल और चावल इन दोनों को मिक्स करके इसे अच्छी तरह से वॉश करके 3 से 4 घंटे के लिए सोक होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने पहले ही इसे वॉश करके और सोक होने के लिए रख दिया था। सोक होने के बाद देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। और चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये मिक्सिंग जार लिया है। अब हम इसके अंदर ये सारा मटेरियल डाल देंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर 2 हरी मिर्च डाल देंगे, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप इसे और भी ज्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, उसे भी डाल देंगे। और फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर सिर्फ 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैं इसके अंदर 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ और इसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। अब हम देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इस तरह से ही होना चाहिए। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए, अब हमने इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया। आप देख सकते हैं कि इसकी किस तरह से ये बैटर हमारा तैयार है। अब हम इसके अंदर मसाले डालने शुरू करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसके अंदर जो जीरा डालेंगे, ये बिना भुना हुआ जीरा है। ये देखिए, ये हमने 1/2 टेबल स्पून डाल दिया है। अब हम इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालेंगे। नमक भी मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और मिर्च भी मैं जो रेड चिली पाउडर है हमारा, उसे 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और अब इसके अंदर जो हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, क्योंकि धनिया से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और इसे मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए, अब हम इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से फेटेंगे। 2 मिनट तक मैं इसे अच्छी तरह से फेट चुकी हूँ। और अब हम इसके अंदर 1/4 टेबल स्पून जो है इनो जो है वो डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1/4 टेबल स्पून मैं इसमें इनो डाल रही हूँ। और अब हम इसको अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर देंगे और इसे एक ही डायरेक्शन में हमने फेंटना है। फ्रेंड्स देखिए, अब मैंने एक पैन के अंदर ऑयल गर्म करना रख दिया है। फ्रेंड्स, वैसे तो वहां के लोग इसे जो है ऑयल घी तेल में बनाते हैं, सरसों के तेल में, लेकिन मैं इसे घी में बना रही हूँ, रिफाइंड ऑयल में। आप चाहें तो इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन इससे पहले इसकी एक ट्रिक है। 1/2 चम्मच इसके अंदर, चाहे आप सरसों के तेल में बनाएं या घी में बनाएं, इसके अंदर हम नमक डाल देते हैं। इसका एक पर्टिकुलर रीजन है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज के अंदर ऑयली कोई भी चीज फ्राई करने के लिए बनाते हैं, अगर उसमें हम नमक डाल देते हैं तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनती, उसमें बिल्कुल भी वो ऑयल को ऑब्जर्व नहीं करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, गैस का घी को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है और अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ऑयल है वो गर्म है या नहीं है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने डाला था बैटर वो बिल्कुल फुल के ऊपर आ गया है। इट मीन्स हमारा जो बैटर है, जो ऑयल है, बिल्कुल गर्म है। तो अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम कर देंगे और अब हम इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक कड़छी ली है, क्योंकि हमने इक्वल शेप देनी है। इसमें हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे, हम छोटा या बड़ा
जैसा भी चाहें अपनी शेप अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, और इसके अंदर धीरे धीरे करके इसके अंदर इसे डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारे अपने आप ही ऊपर आ गए थे और हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बनाया। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे बनकर हमारे तैयार हो गए हैं, और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के सारे भी फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम बाकी के सारे भी जो है इसी तरह तैयार कर लेंगे। जब ये हल्के हल्के थोड़े से पक जाएं और देखिए ये ऊपर आ जाते हैं उभर कर अपने आप ही, तब हम इसे पलटेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अब हमने सारी दुस्का तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं ये कितने बढ़िया तैयार हुए हैं और कितने फूले फूले भी हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से फूले हुए हैं। और इस तरह से हमारी ये दुस्का ट्रेडिशनल बिहार के लोगों का खाना बनकर तैयार हो चुका है। इसे या तो चटनी, रेड और ग्रीन चटनी के साथ, या फिर आलू की सब्जी के साथ सर्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।